टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के संजय नगर के रहने वाले मोहम्मद शेख, जिसकी उम्र 20 से 22 वर्ष है, इसे सांप से खिलवाड़ करना इस कदर भारी पड़ गया कि सांप ने इसे काट लिया और इस लड़के की जान चली गई। ये घटना कल दोपहर के बाद में हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से झाड़ियों से सांप अब बाहर निकल रहे हैं। कल दोपहर के वक्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुंब्रा बाईपास से लगकर ही जो लाल किला ढाबा है, वहीं पर मोहम्मद शेख को एक सांप दिखाई दिया। और हालांकि ये सांप जहरीला था, लोगों से जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक मोहम्मद शेख ने सांप को पकड़कर यही गांव देवी इलाके में घूमने लगा। इसी दौरान सांप का सर उसके हाथ से छूट गया और सांप ने उसे 2 से 3 बार काट लिया। हालांकि स्थानीय लोगों के डांट फटकार के बाद सांप को झाड़ियों में मोहम्मद शेख ने छोड़ दिया, मगर उसके बाद मोहम्मद शेख की हालत ख़राब होने लगी और कुछ लोग उसे तत्काल हॉस्पिटल लेकर गए, मगर उसकी जान चली गई। हालांकि मोहम्मद शेख को जब सांप दिखाई दिया था, अगर उसने वन विभाग को इसकी सूचना दी होती तो शायद मोहम्मद शेख की जान बच जाती थी। आप बिल्कुल इस तरह की हरकत नादानी ना करें जिसकी वजह से आपकी जान पर बनाए। इसी तरह से आज मुंब्रा बाईपास से सटकर नेताजी सुभाष चंद्रा शिवाजी नगर इलाके के एक घर में सांप निकला, मगर नदीम शेख और कृष्णा पांडे ने समझदारी से काम लिया और वन विभाग को इसकी सूचना दी। घर के अंदर सांप जमीन में छिपा हुआ था। जमीन खोदकर इस सांप को वन विभाग ने पकड़ लिया और इसे एक डब्बे में बंद करके अपने साथ लेकर चले गए। आपको अगर सांप या कोई भी जानवर खतरीला हो, वो दिखाई दे, तो उसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें, उसकी सूचना वन विभाग को दें। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।